हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ पढ़ाई में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। MBA का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि टेंशन मत लीजिए, पर इसमें टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्रेडिट रेटिंग मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेटिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिकली पूछा जाएगा क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग पूछा जाएगा आपसे और ये पूछ लिया जाएगा कि इसका यूज़ कौन कौन करता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। यानी क्या इसका यूज़ पूछ लेगा आपसे, इसके एडवांटेज पूछ लेगा और मीनिंग, ये तीन चीज़ें क्रेडिट रेटिंग से पूछता है। तो मीनिंग क्या होती है क्रेडिट रेटिंग का, मतलब अ पर्सन वर्थीनेस कि वो क्रेडिट स्कोर उसका, लाइक सिबिल स्कोर होता है कि मोस्ट लाइकली है जितना 800 के करीब होगा मोस्ट लाइकली है कि वो पेमेंट कर सकता है। तो क्रेडिट रेटिंग इज़ अ असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ अ बोरोवर इन जनरल टर्म्स और विच रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेप्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अच्छी रेटिंग है भैया, 5 स्टार है, 6 स्टार है तो जल्दी पेमेंट कर देगा, 2 स्टार 1 स्टार है तो कम पेमेंट करेगा, 10 स्टार तक क्रेडिट की कर रहे हो। रेटिंग का वैसे तो ऑलमोस्ट 10 से स्टार्ट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन इसका एसेस कर रहा है। कोई 5 पे भी खत्म कर देगा, कोई 4 तक रखेगा, डिपेंड करेगा। यूजुअली 10 तक जाती है स्कोर अगर ज़्यादा होता है, और रेटिंग होती है तो 5 तक होती है, 6 स्टार तो यूजुअली नहीं होता है। केवल अगर स्कोर होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बात करी जाती है। तो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक स्कोर है जिससे पता किया जाता है कि बंदे को लोन कितना दिया जाए और ये इसका लाइकली टू रीपेमेंट है कि नहीं। जैसे अभी अपन ने रेशो एनालिसिस चेक करा था, उसके थ्रू एसेस करने के बाद अपन उसको क्रेडिट रेटिंग देते हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्रेडिट वर्थीनेस एक्सेस करने के बताता है कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्रेडिट रेटिंग बनाई क्यों जाती है। तो ये बताता है कि क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी प्रमोट करने का मतलब ये है कि बायर और सेलर को पता होता है कि मार्केट में एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, वो मोर लाइकली टू नो ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को जानते हैं और प्राइस की डिस्कवरी हो पाती है। प्राइस डिस्कवरी का मतलब इंटरेस्ट रेट। एक बायर, जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कार लोन जो है वो 13% पर मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट ख़राब है, आप सेकेंड हैंड कार बाय करने जा रहे हो तो 16% 17% 18% भी जा सकते हैं, और अगर आप डिफ़ॉल्ट हुए हुए हो तो 20% के ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस बैंकिंग इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, आप प्राइवेट बैंक से ले रहे हो, गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हो, कोई सी फाइनेंशियल अदर इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा। तो यही प्राइस की डिस्कवरी करते हैं। तो अगर बायर को पता है, जो लोन ले रहा है उसको पता है कि ये जो बंदा है वो रेगुलर टाइम पे लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट रेट कम होगी, और अगर वो डिफ़ॉल्ट पार्टी है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी। हाई रिस्क हाई इंटरेस्ट, लो रिस्क लो इंटरेस्ट, है ना, और मार्केट इससे एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, ज़्यादा एक दूसरे के बारे में पता होगा। और इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है ना, एक सेकेंड, मीनिंग क्लियर हो गया, एडवांटेज क्लियर हो गया, और यूज़ भी अपन उसमें ले सकते हैं एडवांटेजेस के अंदर। इंपॉर्टेंस तो अपन को क्लियर होगी, यूज़ और इम्पोर्टेंस दोनों एक ही पॉइंट है ना, यूज़ इम्पोर्टेंस और एडवांटेज तीनों एक ही पॉइंट है। केवल ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा ऐड आ गया है इसमें, ऑब्जेक्टिव भी आप इसमें याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता ही दिया, बेसिकली मीनिंग के अंदर ही इंक्लूड आएगा। अगर मीनिंग पूछ लिए तब भी ये 4-5 पॉइंट जरूर लिख कर आने हैं, है ना। चलो, तो इंपॉर्टेंस किसके लिए होती है, अगर क्रेडिट वर्थीनेस पता चल जाए, लेंडर्स के लिए होती है कि जो उधार दे रहा है भाई ये कितने टाइम में देगा, ये सही पार्टी है कि नहीं है, इसको पैसा दूँ, मेरी हार्ड अर्न मनी है तो इसको सही में हमको पेमेंट कर पाएगा कि नहीं। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट के लिए करना हो कितना पेमेंट करना हो, या कोई उधार ले रहा है उसको भी पता चल जाएगा, ठीक है, लेंडर्स उनको भी पता चल जाएगा, और अदर स्टेक होल्डर, बेसिकली जो भी लोन से जुड़े हुए होते हैं उन सबको इसकी इंपॉर्टेंस होती है। पहला बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को इंपॉर्टेंस होगी, जो लोन टेक कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस होगी, थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस होगी, मार्केट को इंपॉर्टेंस होगी। यहाँ तो तीन ही लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी, मार्केट, लोन रिसीवेबल कर रहा है और बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स, ये चारों को इसकी इंपॉर्टेंस होती है थ्रू द फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट, और प्राइस डिस्कवरी करने में, मार्केट की इन्फॉर्मेशन करने में इसी की हेल्प है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए, खुश रहिए, और आखिरी 3 क्वेश्चनों पे मिलते हैं, और तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जानता हूँ समय 10:30 हो गई है, अब मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।